सब सीबीएसई बोर्ड। कैसे हैं बच्चों आप सब? बच्चों, रिजल्ट के रिगार्डिंग ही अभी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। बहुत से बच्चों के काफी सारे कंफ्यूजन हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके कुछ बेसिक डाउट्स क्लियर करूंगी रिगार्डिंग पासिंग परसेंटेज एंड ऑल। आप सबको पहले बता दूं कि अब रिजल्ट कभी भी किसी दिन आ सकता है ना। 7 तारीख का डेट तो बीत गया, बट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आ सकता है। 40 से 45 दिन जो लगते हैं कॉपी चेकिंग में, उसके बाद रिजल्ट फॉर्मेशन, वो लगभग पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और 10th के लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि आप सब सुन करके उछल पड़ोगे, लगभग सभी बच्चे पास हैं। 10th का पासिंग परसेंटेज इस बार बहुत बढ़िया गया है। ठीक है, उसका कारण भी बताऊंगी। पहले क्लास 12th का देख लीजिए। क्लास 12th के बच्चे जो हैं, आप देखो 100 में यूजुअली आपको थ्योरी ज्यादातर सब्जेक्ट में 70 की है। ठीक है, इस 70 में आपको 23 लाना होता है मिनिमम पासिंग मार्क्स, और जो प्रैक्टिकल आपका होता है वो 30 का होता है, जिसमें बच्चे को 28 से कम नहीं आता। ठीक है, तो अब ये 23 जो है, मैंने आपको रिजल्ट्स दिखाए थे जिसमें कई बच्चों के .23 है, तो ये एग्जैक्टली 23 अगर नहीं भी आता है ना, तो अगर मान लो आपके किसी सब्जेक्ट में 17-18 आ गए, ठीक है, तो टीचर क्या करता है ना, हर सब्जेक्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं, स्टेप मार्किंग, ये तो बेसिक रूल है कि 17-18 आपको आ रहा है, इसके बावजूद स्टेप मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा। आपने स्टेप्स लिखे हैं तो उसके नंबर होंगे। आपने अगर रेलेवेंट अटेम्प्ट लिया है, अटेम्प्ट लेने का ये मतलब नहीं कि मैंने एमसीक्यू कर दिया वो गलत था तो मैंने अटेम्प्ट लिया है, वो अटेम्प्ट नहीं होता। अटेम्प्ट का मतलब कि आपने कुछ टॉपिक रेलेवेंट चीज लिखी है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग समथिंग इन्फॉर्मेटिव लिखा है। ठीक है, इसके अलावा जो लॉजिकल क्वेश्चंस थे उसमें अगर आपने कुछ लॉजिकल आंसर लिखा है जो थोड़ा लीक से हटके है, तो उसके भी नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद मॉडरेशन पॉलिसी और ग्रेस मार्क्स जो है ना, मॉडरेशन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर एवरी स्टूडेंट, तो ये तीनों चीजें तो सबके लिए है। ग्रेस मार्क्स तब रिक्वायर्ड होती है जब कोई बच्चा पास नहीं हो पाता। तो चूंकि आप क्लास 12th के बच्चे हो, तो आपको थ्योरी में भी 23 लाना है और प्रैक्टिकल में भी जो पासिंग मार्क्स है वो 10 के अराउंड है, तो वो तो खैर हर बच्चा लेके आता है, तो उसकी टेंशन नहीं है। थ्योरी में अगर आप 17-18 के अराउंड लिख के आए हैं, तो कई बच्चे पूछते हैं कि क्या मैं पास हूँ, तो आप बेफिक्र रहिए, आप पास है। ठीक है, अगर कोई थ्योरी किसी किसी सब्जेक्ट में 80 मार्क्स की होती है, वहां पर आपको उसमें 27 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तब उसमें आपकी प्रैक्टिकल होगी 20 मार्क्स की, और उसमें 7 नंबर तो आने चाहिए पास होने के लिए। हालांकि 7 क्यों आएगा, हर बच्चा मिनिमम 18 मार्क्स तो लाता ही लाता है, करेक्ट। तो 12th में थोड़ा सा इस जो है ना, ये प्रॉब्लम पासिंग परसेंटेज जो है वो 33 तो है, लेकिन थ्योरी में इंडिविजुअली 33% लाना है, प्रैक्टिकल में अलग से 33% लाना है, इसी कारण से 12th में पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा ड्रॉप होता है। हालांकि इस बार लीनियंसी तो काफी बढ़ती गई है, तो अंदाजा ये है कि 12th में भी 93% बच्चे तो जरूर पास होंगे, 93 प्लस ही जाएगा। अब देखते हैं क्लास 10th। क्लास 10th में सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर के आपको 33 लाना है। अब ये जो आपका प्रैक्टिकल है जो 20 नंबर का है और थ्योरी 80 मार्क्स की है, इस 20 में लगभग 19 मार्क्स तो आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इस 80 में अगर आप 13-15 लेके आते हो, मिनिमम 13 भी अगर बच्चा लेके आता है, तो वो 33 मार्क्स ले आएगा। ठीक है, यहाँ पर 19-20 सबको आ रहा है। अब 13 मार्क्स का मतलब क्या हुआ, कि अगर आपने 8-9 मार्क्स कभी क्लियर सही लिखा है, तो इसके बाद आपको भी अटेम्प्ट के नंबर मिल रहे हैं, ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, स्टेप मार्किंग हो रही है, मॉडरेशन लगी हुई है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर 10th में 7-8 नंबर कभी कोई बच्चा बना लेता है, तो अटेम्प्ट वगैरह थोड़ा बहुत लिया है, तो आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके बहुत आसानी से पास हो जाते हैं। अगर ये रूल 12th के लिए भी हो, तो 12th के बच्चे भी बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। हालांकि 12th में लीनियंसी तो क्या 10th 12th दोनों के लिए बढ़ती गई है, 10th में थोड़ी ज्यादा होती है, 12th में थोड़ी कम। ये आपका मॉडरेशन पॉलिसी है जो सीबीएसई के वेबसाइट से ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड है। अब यहाँ पर आप देखिए ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स पॉलिसी ये कहती है कि आपको 10% के आसपास ग्रेस दिया जा सकता है, एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट में मैक्सिमम, जब आपकी रिजल्ट बन जाएगी ना, मतलब आपका मार्क्स पूरा एग्रीगेट कैलकुलेट होगा, फिर हर स्टूडेंट के मार्क्स देखे जाते हैं कि अगर मान लो एक सब्जेक्ट में आपका मिसिंग है तो आपको ग्रेस दे दिया गया, दो सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो पाए तो आपको दोनों में ग्रेस दे दिया गया। ठीक है, यानी कि लगभग 5 से 15 नंबर का ग्रेस मार्क्स ओवरऑल आपको मिल जाता है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में मिसिंग है तब फिर कोई नहीं बचा सकता, फिर आपको कंपार्टमेंट तीसरे सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। ठीक है,
आप देख सकते हैं। एक और अच्छी खबर है बच्चों की, रिजल्ट की पासिंग परसेंटेज तो ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है, ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, और उसमें भी गर्ल्स आर आउटशाइनिंग बॉयज इन लास्ट 5 ईयर्स भी अगर आप देखें तो ट्रेंड यही कहता है कि गर्ल्स की पासिंग परसेंटेज देखो कैसे अप हुई है, 88.31 2018 में था, फिर 19 में हो गया 88.7, 20 में 92.15, 21 में तो चलो 100% ही है लगभग, 22 में भी बहुत अप हुआ है यानी कि 94.54। बॉयज में भी देखो परसेंटेज जो है पासिंग परसेंटेज 2018 में 78 था, हालांकि गर्ल्स से 10% कम था, फिर 2019 में 79 है, यहाँ पर भी गर्ल्स से 10% कम है, 2020 में 86% है, यहाँ पर भी देख सकते हैं गर्ल्स की पासिंग परसेंटेज ज्यादा है, 21 में तो सब पास है, 22 में भी बॉयज के रेस्पेक्ट में गर्ल्स की पासिंग परसेंटेज ज्यादा है, बट ट्रेंड इज पॉजिटिव इन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं पॉजिटिव ट्रेंड, और गर्ल्स में भी देख सकते हैं ट्रेंड इज पॉजिटिव, यानी कि अच्छी खबर आप सबके लिए है कि आइदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, आपका परसेंटेज पासिंग का अप ही हुआ है, तो इस बार चूंकि पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है तो आपको जो है वो देखो सीबीएसई इस बार 95%+ तो जरूर देगी, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ क्योंकि कॉपी चेकिंग इस कदर लीनियंट हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है, आपकी हर गलती को नजरअंदाज किया गया, आपके वर्ड लिमिट आपने ना लिखे हो, आपने स्पेलिंग एरर किया हो, आपने कलरफुल पेंस यूज किए हैं, आपने तरह तरह के एरर किए हैं, क्वेश्चन नंबर गलत लिखा है, इन सब के बावजूद आपको नंबर मिले हैं, एमसीक्यू में किसी ने सिर्फ ऑप्शन नंबर लिख दिया, किसी ने सिर्फ आंसर लिखा है, फिर भी पूरे नंबर दिए हैं, तो इस तरह की बहुत सारी कमियों पे सीबीएसई ने आपके नंबर नहीं काटे हैं, उसके उलट आपको उल्टा ज्यादा नंबर देने की कोशिश की है ताकि आप पास करें, ढूंढ ढूंढ के नंबर दिए गए हैं, तो आप कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि देखो रिजल्ट तो आएगा ही, आज से लेकर 15 तारीख के बीच कभी भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट सब यही कह रहे हैं कि रिजल्ट इज ऑलमोस्ट प्रिपेयर, तो आज चलो 8 है, आज तो नहीं आएगा, 10 के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ठीक है, तो आप खुद देख लेना कि रिजल्ट आपका बेहतर ही आएगा, एक्सपेक्टेशन से कम 7-8% बेटर, यानी कि 5-10% बेटर आता है रिजल्ट, जितना आपके प्री बोर्ड्स में थे उससे 5-10% के रेंज में आपका परसेंटेज अप होगा, क्योंकि प्री बोर्ड्स में क्या होता है ना कि आपके नंबर थोड़े से काटे जाते हैं, स्ट्रिक्टर चेकिंग होती है, बोर्ड आपको काफी लीनियंट भर भर के नंबर देती है, कई बच्चे जिनको डाउट्स होंगे ना उनके आप थ्योरी पेपर में देखना आपको 23-23 कई सब्जेक्ट्स में मिला होगा, इससे आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि आपको बहुत अच्छे नंबर दिए गए हैं। अब देखो अगर हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अभी आया नहीं, आप कौन से साइट पे जाओगे, cbse.gov.in, किसी तीसरे वेबसाइट पे नहीं जाना जहाँ पे फेक न्यूज चल रहा है, जहाँ पे पैसे लेकर के आपको रिजल्ट दिखाने की बात की गई है, इसमें आप परिणाम पे क्लिक करोगे, परिणाम पे क्लिक करते ही अभी भी ये वाला पेज खुल रहा है जहाँ पर रिजल्ट आपको दिख रहा है 2022 रिजल्ट, अभी देर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग 2023, कोई लिंक यहाँ पर जनरेट नहीं हुई, आप देख सकते हो जो पहले था साल भर पहले उसके बाद फिलहाल यहाँ कोई अपडेट नहीं है, जो भी अपडेट होगी वो यहाँ पर आएगी, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो, रिजल्ट आएगा एंड पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा प्यारे बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है, डरिए मत, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही हो कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, होप रखिए, होप से ही दुनिया चलती है, ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और वीडियो को पसंद कर रहे हैं अगर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।